हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ हीथरो के एयरपोर्ट पे। और हीथरो एयरपोर्ट पे क्या क्या कर रहा हूँ, मैं लंदन में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। ये सारी फ्लाइट्स हैं जो कि खड़ी हुई हैं। हर 3 मिनट में एक एयरप्लेन लैंड होता है यहाँ पे। अब सिर्फ इस एयरपोर्ट पर ऐसा होता है या हर एयरपोर्ट पर ऐसा होता है ये तो मेरे को नहीं पता। ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट और वो सीधा दिल्ली टू कनाडा। अब सामने ये खड़ी है एयर कनाडा की फ़्लाइट। मेरे को भी पता नहीं है कि मेरा कौन सा गेट पे लगेगा। 11:45 पे पता चलेगा। और अभी एक सेकंड में देख के बताता हूँ। 11:32 अभी हो रहे हैं और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि कितने देर में हमको कौन सा गेट पता चलता है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर पानी पीने का है। यहाँ पर ऐसे बटन दबाएँगे तो ऐसे पानी आता है और यहाँ से आप पी सकते हैं। इससे ये रहा बटन, तब पीता पानी, फिर बात करता हूँ। मैं अभी खड़ा हुआ था वहाँ पे और वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से अब अगर हम आगे जाते हैं तो आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। रोलेक्स, सेंट लॉरेन और गुची वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के स्टोर्स भी हैं। बाकी ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर डिपार्चर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि हमारा कौन से गेट नंबर पर फ़्लाइट लगेगी। सो यहाँ पे लिखा है गो टू गेट B39 फॉर कैलगरी। अब हम जा रहे हैं B39 गेट की तरफ और अभी A16 है सामने। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे B31 to B49, ऊपर लिखा पड़ा है और वहाँ पे सारी फ़्लाइट्स खड़ी हैं। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ और आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे प्लेन्स खड़े हैं ढेर सारे। और यहाँ से अब हम और आगे जाएँगे और कोई एक प्लेन में जाके बैठेंगे जो भी हमारा जगह होगी। B31 to B49 एस्केलेटर्स, लिफ्ट, लिफ्ट से चले जाते हैं। अब हमने जाना है B39 पे, तो सीधा B39 पे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो गेट नंबर B39 सामने आ चुका है। मैं चल रहा हूँ इसलिए फोकस नहीं हो पा रहा। हाँ, अभी भी थोड़ा ब्लर ही दिख रहा है। गेट B39 आ चुका है, अब एंट्री के बाद ही मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप जैसा देख रहे हो Zone 1 और Zone 2 के हिसाब से बुला रहे हैं। मेरा जो बोर्डिंग पास में है वो लिखा है Zone 3, इसलिए मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। Zone 3 की कॉल आएगी, उसके बाद अब हम अंदर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इधर सामने फ़्लाइट खड़ी है, इस फ्लाइट में भी हमने जाना है और ये लाइन लगी पड़ी है। अपने जोन के हिसाब से हम अंदर तो आ चुके हैं, बाकी अब आगे जाते हैं। सो फाइनली ये सिक्योरिटी ब्रीच से हम अंदर आ चुके हैं और बोर्डिंग पास का स्कैनर लगाना होता है उसके ऊपर, जो एयर कनाडा का हमको मिला है यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं अंदर। बहुत ही मीठा मीठा मौसम हो रखा है और सर्दी है यहाँ पे। 9 डिग्री टेम्परेचर है, बाकी कैलगरी में 2 डिग्री है। तो चलते हैं और आपसे फ्लाइट के अंदर मिलते हैं।
शायद रोटी है, बाकी देखते हैं अभी क्या है। और इसके अंदर शायद रायता है और ये भी ठंडा ही है कुछ। तो मैं पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ ये क्या है इसके अंदर, पता नहीं क्या होगा। दोनों टिकली भी अभी ठंडी है ये, बाकी ये खा के हम बताते हैं, मतलब दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों हमको मिला है पनीर, साथ में परांठा, साथ में आलू फ्राइड, और ये यार चम्मच वगैरह थे जो मैं वाइट लिफाफ आपको बोल रहा था ना, इसके नीचे रख दिया मैंने। उसके अंदर रोटी नहीं थी, रोटी इसके अंदर ही थी डब्बे में। और साथ में हमको मिले चॉकलेट केक, इसको शायद ब्राउनी कह सकते हैं हम, चॉकलेट सिरप में डिप हुई हुई, और ये चना चाट है। तो भाई बहुत अच्छी लगी मेरे को ये चीज़, अब खा के मैं इसका टेस्ट बताता हूँ आपको। सो ये एयर इंडिया की तरफ से सेकेंड मील थी जो कि मैंने हाफ़ ली थी और हाफ़ रिटर्न कर दी थी। दाल चावल थे शायद, इसके साथ मैंने मना कर दिए थे क्योंकि खाने का मन नहीं था वो। एयर कनाडा की फ्लाइट में मेरे को ये मिला है, एयर कनाडा की फ्लाइट में मेरे को ये मिला है एक बन, साथ में आई थिंक बटर है और एक स्वीट डिश होगी, ये बटर है, बाकी ये वाटर और ये सैलेड के साथ शायद ये कोई, बाकी हम इसको खोलेंगे। ये मैंने सेलेक्ट करी थी वेज हिंदू मील चेक इन पे अपने डेढ़ दिन पहले करते हैं। बहुत ही स्वाद चावल और पालक पनीर, देसी घी पता नहीं कहाँ से लेकर आया पर देसी घी डला हुआ भाई इनमें, और साथ में आलू है, एक बन है जिसकी टिक्की में खा गया सलाद के साथ ही, मतलब सलाद तो नहीं है पर फिली की सब्जी वाली बर्गर के अंदर, पर बर्गर मैं खाना भूल गया और टिक्की के साथ ये खा ली मैंने सब्जियाँ। बाकी डेजर्ट है और कोक भी मिली है साथ में पानी की बॉटल। अब पूरा ख़त्म करने के बाद मिलता हूँ। तो अब हमको ये मिला है, इसमें शायद सैंडविच है या पता नहीं क्या है, देखते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में सब कुछ वेज है और चिकन और वेज दो ऑफर दिए थे तो मैंने वेज ही लिया। बाकी अब इसको खोलते हैं और खाते हैं। सो हमने दोस्तों बोलना था, बाकी मैं ये बोल रहा था कि हमको स्टडी परमिट मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं। बैग हमने एक ले लिया, एक सामने पड़ा है और ये हमने घर पे ही पैक किया था। अगर आप आते हो तो आप भी देखो कैसे पैकिंग करनी होती है। बाकी एयरपोर्ट पे जब वेइंग कराते हो आप अपनी बैग की, वेट करवाते हो, तो इसमें देख लेना फ्रेजाइल को, उनको बोल देना कि स्टिकर लगा देंगे, ठीक है। बाकी ये सामने मैंने दूर से देख लिया कि इतनी सारी टेपिंग हो रखी है, मेरा ही बैग है, तो अब चलते हैं बाहर। तो फाइनली कैलगरी उतर चुके हम, ये एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए गेट नंबर 16 के, और बस आने वाले होंगे गाड़ी में। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद मैं घर जाऊँगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर देखा तो यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूँ अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट के एक्सपीरियंस का, तो लैंडिंग एंड टाइप पे ना बहुत ज़्यादा कानों में दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली जब एयर इंडिया की फ़्लाइट में था मैं तो ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को, और जब एयर कनाडा की फ़्लाइट में था तो थोड़ा कम हुआ। शायद वो सेकेंड फ़्लाइट थी इसलिए मेरे को ज़्यादा मतलब दिक्कत आई नहीं। बाकी अभी तक तो हमारी तबीयत ख़राब हुई नहीं है और मैं चाहता हूँ आगे भी ना हो। जैसे लोगों को जेट लैग हो जाता है, जेट लैग को क्या होता है, जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, तो चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का टेस्ट और खाने की क्वालिटी वगैरह जब चेंज होती है, तो इंसान की जो तबीयत होती है
वो थोड़ी अपने आप को सेट करने में टाइम लेती है, तो उसको जेट लैग बोलते हैं, कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है न्यू एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो अभी तक मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। बाहर टेम्परेचर -1में चल रहा है या -2 शायद है, तो मैं कल रात को भी घूम के आया वॉलमार्ट वगैरह, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगहें देखी मैंने, पर ऐसी कोई दिक्कत मेरे को अभी तक आई नहीं है। बाकी आगे देखते क्या होता है। अभी मैं इंडिया से अपना लाइसेंस बनवा के आया हूँ इंडिया का, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होते हैं। अगर आपका लाइसेंस बना होगा तो आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे सिर्फ, एक जो हमने इंडिया लाइसेंस बनवाने में स्टार्टिंग में दिया था, और अब एक और होता है जो कि आपको हाईवे पे ड्राइव करनी होती है गाड़ी, साथ में एक ऑफिसर बैठा होता है वो सारा कुछ चेक करते हैं कि आप कितने रूल्स फॉलो कर रहे हो और कितने रूल्स आपसे ब्रेक होते हैं, उसके हिसाब से आपका टेस्ट बनता है, मतलब लाइसेंस बनता है। अगर तो आपने G1 और G3 क्लियर कर लिया, ये टेस्ट के नाम है G1 G2 G3, G2 नहीं देना पड़ेगा अगर आप लाइसेंस बनवा के आओगे तो। अगर G1 क्लियर कर लिया आपने, जो कि सिर्फ MCQ के आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आपने उसके आंसर देने पड़ते हैं, 100 या 150 क्वेश्चन होते हैं, उसकी PDF जो मैं करूँगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और G1 होता है वो, और G3 होता है जो हाईवे पे आपसे गाड़ी चलवाएंगे, हाईवे या जहाँ पे भी चलवाएंगे। मतलब अगर G3 में आप क्लियर हो जाते हो तो आपको G2 में नहीं देना पड़ेगा टेस्ट, ठीक है। पर अगर G3 में आप फेल हो जाते हो या G1 में आप फेल हो जाते हो, तो आपको G2 भी देना पड़ेगा उसके बाद। उसमें फिर कुछ नहीं होगा कि आप लाइसेंस बनवा के आए हो चाहे नहीं बनवा के आए, पर आपको फिर G2 भी देना पड़ेगा। तो अभी तक की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो यहाँ तक की है, कि कैनेडा में Day 1 के हिसाब से क्या क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी फिलहाल हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाना कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए। यहाँ पे मैं जिनके साथ रह रहा हूँ वो यहाँ पे 4-5 साल से है, तो मैं उनसे पूछ के आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।